नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गायत्री ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित अनिल कोठियारी ज्योतिषाचार्य आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि विदित है, 26 अगस्त 2018 को रक्षाबंधन आ रहा है। भाई बहनों के प्रेम का यह त्यौहार भारत में ही नहीं, दुनिया के सभी देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की खुशियों के लिए और उनकी लंबी उम्र की दुआओं के साथ उन्हें राखी बांधती है। इसके अलावा हमारे हिंदू भाई लोग इस दिन अपना जनेऊ निकाल कर नया जनेऊ भी धारण करते हैं। इसके अलावा इस दिन पंडित जी लोग अपने यजमानों को कलेवा बांधते हैं, जिसे रक्षा का धागा कहा जाता है, कि वर्ष भर उनके यजमानों की रक्षा रहे और उनकी सुख समृद्धि की वह कामना करते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इस विषय पे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह विदित है, हर कोई व्यक्ति इसके बारे में जानता है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ आप मुहूर्त बताएंगे कि किस मुहूर्त में बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, या हमारे हिंदू भाइयों ने जनेऊ धारण करना चाहिए, या पंडित जी लोगों द्वारा अपने यजमानों को कलेवा रक्षा का धागा बांधना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पूर्व के रक्षाबंधन, जो कि श्रावणी पौर्णिमा के दिन पड़ता है, इसी दिन यह मनाया जाता है, किसी वर्ष इस दिन ग्रहण पड़ जाता है, किसी वर्ष इस दिन भद्रा होती है। इस वर्ष बड़ी विशेषता है कि इस दिन ना ही कोई ग्रहण है और ना ही भद्रा है। भद्रा सूर्योदय से पूर्व ही इस दिन समाप्त हो गई है। तो इस दिन पूरा दिन सुबह बहनें किसी भी समय अपने भाइयों को राखी बांध सकती है और हिंदू भाई लोग किसी भी समय पे जनेऊ धारण कर सकते हैं। किंतु इसमें भी हम आपको एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त, जो कि बहुत ही विशिष्ट मुहूर्त होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जिस मुहूर्त में राखी बांधने से या जनेऊ धारण करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है, यह शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों, जो इस दिन का जो विशेष मुहूर्त है वह अमृत मुहूर्त हम आपको सबसे अच्छा मुहूर्त के रूप में बताएंगे भी और हम इसे ही मानेंगे भी। तो ये जो मुहूर्त है, यह मुहूर्त प्रातः 10:53 से 12:28 के बीच आ रहा है। तो आप लोगों का प्रयास यह रहना चाहिए, बहनों का खास तौर पे, कि इसी मुहूर्त में वह अपने भाइयों को राखी बांधें, या हिंदू भाई लोग इसी समय पे नया जनेऊ धारण करें, पंडित जी लोग अपने यजमानों को इसी समय पे रक्षा या कलेवा का धागा इसी समय पे बांधें। वैसे तो पूरा दिन शुभ है, किंतु इसके अलावा भी दिन भर में अगर किसी को समय नहीं हो पाता है, व्यस्त लाइफ रहती है, व्यस्तता काफी आज के समय पे है, तो अगर आप लोगों को दिन पे यह मुहूर्त आपके हाथ से निकल जाता है, फिर आप चाहते हैं कि भाई हमें और इससे अच्छा मुहूर्त चाहिए, तो वह मुहूर्त फिर आपको रात्रि पे मिलेगा। क्योंकि यह पूरा दिन शुद्ध है, पौर्णमासी का दिन है, रात को चंद्रमा भी निकल आता है। तो जो दिन में अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकी, तो वह सायं यानी रात्रि के मुहूर्त में भी अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। तो वह मुहूर्त है दोस्तों आपका 8:13 से 9:38 के बीच में। इस समय पर भी रात्रि का अमृत सिद्ध योग चलेगा। अमृत सिद्ध योग सबसे शुद्ध, सबसे सिद्ध योग माना जाता है। इस योग में कोई भी कार्य किया जाए तो उसका फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहां पर हमने सिर्फ आप मुहूर्त के बारे में जानकारी दी कि आप इस समय पे बातिए, क्योंकि यह सबसे सिद्ध मुहूर्त है। वैसे तो पूरा दिन शुद्ध है, श्रावणी पौर्णमासी का दिन है, तो बात तो आप किसी भी समय पे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो दिल खोल के शेयर करिए और जल्द से जल्द करिए, क्योंकि 2 ही दिन इस मुहूर्त के लिए बचे हुए हैं। और अच्छा लगने पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वर्ष में हिंदू धर्म के अनुसार कई पर्व आते हैं और हम आपको समय समय पे पर्वों से कुछ समय पहले पूर्व सूचना देंगे, तो इसलिए आपका सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना आपको सबसे पहले मुहूर्त की जानकारी दिला सकता है। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।